Next data type, detent time data type. This data type is used to represent temporal values such as date time, time stamp and year. अब ये जो टेबल है इसके अंदर हम देखेंगे कि डेट और टाइम डेटा टाइप क्या होते हैं। तो पहला देखो ईयर, ईयर वैल्यूज एज टू डिजिट्स और फोर डिजिट्स। नेक्स्ट डेट, ये इसकी रेंज है, इसकी वैल्यू इतना रहेगी। देन टाइम, इसकी रेंज दे रखी है। डेट टाइम, इनकी वैल्यूज क्या रहेंगे, इसकी रेंज गिवन है। टाइम स्टैम्प, ये भी दे रखा है इसकी वैल्यूज। नेक्स्ट है स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग डेटा टाइप, अगर हमको टेक्स्ट वैल्यू एंटर करनी है डेटा हमारे कॉलम के अंदर, टेबल के अंदर, तो जो डेटा टाइप हम यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे स्ट्रिंग डेटा टाइप। अब देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग डेटा टाइप्स, लाइक कैरेक्टर, वारकै, टाइनी टेक्स्ट, टेक्स्ट, मीडियम टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट, बाइनरी, वेरिएबल बाइनरी, एनम, सेट। दीज आर द डेटा टाइप्स विच आर इन द कैरेक्टर और स्ट्रिंग डेटा टाइप। ठीक है, फर्स्ट डेटा टाइप देखो कैरेक्टर। इट कैन हैव अ मैक्सिमम साइज ऑफ 255 कैरेक्टर। नेक्स्ट इज योर वारकै। इट कैन हैव अ मैक्सिमम साइज ऑफ 255 कैरेक्टर्स। यहाँ भी 255 कैरेक्टर है, यहाँ भी 255 कैरेक्टर है, तो क्या जरूरत है दोनों डेटा टाइप लेने की, हम एक से भी तो काम कर सकते थे। तो जो डिफरेंस होता है कैरेक्टर और वारकै के अंदर वो ये होता है कि कैरेक्टर डेटा टाइप अगर है तो अगर आपने वहाँ पर 255 लिख दिया, ठीक है, कि साइज 255, तो वो क्या करेगा, वो फिक्स लेंथ स्ट्रिंग, मतलब उसने मेमोरी के अंदर 255 की लेंथ की जगह आपकी फिक्स कर दी। लेकिन वारकै में क्या होगा, वेरिएबल है, जितना यूज़ में आ रहा है उतना ही होगा। ठीक है, यहाँ देखो एक्सप्लेनेशन में भी दिखेगा आपको ये। Here size is the number of characters to store fixed length string space padded on the right to equal size characters। अगर जैसे आपने दे दिया कंप्यूटर, ठीक है, साइज़ आपने दे दी 255, लेकिन आपने जो लिखा है वो स्टोर किया उस डेटा टाइप के अंदर आपने कंप्यूटर वर्ड को, तो COMPUTER टोटल कितने लेटर्स यूज आए, 8 लेटर्स यूज आए, COMPUTER 8 लेटर्स ही लगे, 8 कैरेक्टर्स। तो जो बाकी के बचे, हमने तो 255 कर दी थी, तो यूज़ हमने कितना किया, 8 कैरेक्टर यूज़ किया। तो अब जो रिमेनिंग पार्ट है उसके अंदर क्या आ जाएगा, स्पेसेस को वो पुट अप कर देगा, ठीक है, लेकिन मेमोरी में जगह कितनी कंज्यूम हो रही है 255 कैरेक्टर्स के लिए। लेकिन वेरिएबल कैरेक्टर के अंदर क्या होगा, वारकै के अंदर हियर साइज इज़ द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टू स्टोर वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग। ठीक है, हम इतना कर सकते हैं, लेकिन हम जितना करेंगे वो उतना ही स्टोर होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज योर टाइनी टेक्स्ट, टेक्स्ट, मीडियम टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट, बाइनरी, वेरिएबल बाइनरी। तो ये सारे इसके काइंड्स हैं डेटा टाइप के, एनम, सेट। फिर इसके बाद आती है बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट डेटा टाइप्स, बीलोब। बीलोब इन MySQL इज अ डेटा टाइप दैट कैन होल्ड अ वेरिएबल अमाउंट ऑफ डेटा। दे आर कैटेगरीज इन टू फोर डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन द मैक्सिमम लेंथ ऑफ वैल्यूज कैन होल्ड। इनको हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, चार डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर, टाइनी बिलोब, बिलोब साइज, मीडियम एंड लॉग। तो इसका अपना अपना रेंज है। टाइनी के अंदर हम होल्ड कर सकते हैं मैक्सिमम साइज ऑफ 255 बाइट्स, इसके अंदर सेकेंड के अंदर हम 65 535 बाइट्स, और इस तरह से आगे और रेंज बढ़ जाती है। तो हमको एटलीस्ट टाइनी और टाइनी BLOB और BLOB का जो साइज़ है, BLOB सेकेंड, इन दो को एटलीस्ट आपको करना है लाना।